में 2019 में कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाने की खबरें आ रही है। इस महीने वन प्लस 7, नोकिया 9 प्रो, व्यू ऑनर 20 प्रो, गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सएल को लॉन्च किया जा सकता है। वन प्लस की वन प्लस 7 सीरीज का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा है और कंपनी ने ऐलान भी कर दिया है कि 14 मई को लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा। वन प्लस 7 प्रो को पॉप अप सेल्फी कैमरा और नॉचलेस डिजाइन के साथ पेश किया जा सकता है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऑनर ने अभी कुछ समय पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि उसने ऑनर 20 सीरीज के ग्लोबल लॉन्च के लिए 21 मई को लंदन में एक इवेंट को आयोजन किया है और उम्मीद है कि इवेंट के दौरान ही कंपनी अपने अपकमिंग फोन को ला सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर ऑनर 20 प्रो और ऑनर 20 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस का कुछ भी खुलासा नहीं किया है। एक रेंडर में फोन का बैक पैनल दिखाई दे रहा है। रेंडर में स्मार्टफोन के टॉप बाएं कोने में क्वाड कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है, यानी फोन 4 कैमरा से लेस हो सकता है। फोन में एलईडी फ्लैश भी हो सकता है। आप ऑनर का लोगो भी निचले हिस्से पर देख सकते हैं। डिवाइस को शानदार ग्रेडिएंट कलर स्कीम के साथ देखा जा सकता है। रूमर्स सामने आ रहे हैं कि जल्द हमें पिक्सल 3 डिवाइस का लाइट वर्जन देखने को मिल सकता है, जिसे पिक्सल 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस को पिछले फ्लैगशिप डिवाइस की तरह स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 670 या 710 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और डिवाइस प्योर एंड्रॉइड पाई के साथ किफायती कीमत में लॉन्च किया जाएगा। अभी तक गूगल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और यह भी साफ नहीं हुआ है कि डिवाइस को कब लॉन्च किया जाएगा। कुछ रूमर्स सामने आ रहे हैं कि 5 कैमरा से लेस नोकिया 9 प्रो व्यू को अगले हफ्ते तक लॉन्च किया जाएगा। यह फोन अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अभी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर डिवाइस के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है।